हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं एवी स्मार्ट लर्निंग डेस्टिनेशन से अभिमन्यु व्यास आप लोगों के साथ एक नया वीडियो शेयर कर रहा हूं। और ये वीडियो है सीए फाइनल ऑडिट को लेके, और जैसा कि हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन इसमें ये एक बेसिक वीडियो है जो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डिफाइन करेगा विद एग्जांपल्स, ताकि कि हमको इनका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पता चल सके। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको ये रहता है जब हम ऑडिट के जो भी एसएस के चैप्टर्स हैं, जब हम वो पढ़ते हैं तो बहुत बार ये वर्ड्स आते हैं, लेकिन इनका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होने के कारण से हम लोग जो है उस पैराग्राफ का, उस सेंटेंस का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं, जो हमारी ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं कम करता है। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और ये रहा आपके सामने। ओके, सो सबसे पहले जब हम ऑडिट करते हैं, अगर हम हमारे आर्टिकल एक्सपीरियंस की बात करें, जो कि कैसा होता है हम सबको पता है, लेकिन जो हमारा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमको गैदर करने होते हैं, ताकि हम एक ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे सके, जो कि यूजर्स के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ओके, तो सर, ऑडिट करने के लिए, ऑडिट का ओपिनियन देने के लिए क्या जरूरी होता है? सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जरूरी होते हैं। अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट एविडेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर सिचुएशन को प्रेजेंट करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव ओपिनियन देते हैं। ओके, वरना हम क्वालिफाइड एडवर्स ऐसे ओपिनियन भी देते हैं। सो सबसे पहले हमको सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जब भी हमको सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने होते हैं, तो हमको एक तो ध्यान रखना होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, और दूसरा हमको ध्यान रखना पड़ता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का। टेस्ट ऑफ कंट्रोल नाम से ही डिफाइन हो रहा है, कंट्रोल्स को टेस्ट करना, कंट्रोल्स प्रॉपरली डिजाइन है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, और साथ में वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये दो पार्ट में बटा हुआ, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या होता है, और दूसरा है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, ये जो पार्ट है ये आता है किसमें? ये आता है हमारे ऐसे जो है हमारा ऐसे 330 जो है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, उसके अंदर ये कवर्ड है। और जो हमारा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है उसका स्पेसिफिक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है ऐसे 520 के अंदर। ओके, तो ये एक मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपको। नेक्स्ट शुरू करते हैं, सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ये है हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो होता है उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि हमको कंट्रोल्स को टेस्ट करना होता है। क्या टेस्ट करना होता है कंट्रोल में? हमको ये टेस्ट करना होता है कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर वो इफेक्टिव है तो उसमें हमको ये देखना है, जब एक ऑडिटर, देखो एक ऑडिटर हो, आप एक ऑडिटर हो, ठीक है, आप एक कंपनी में गए ऑडिट करने के लिए, आप वहां पे ये देखोगे सबसे पहले कि ये देखोगे क्या कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। पहले ये देखेंगे ना कि इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंट्रोल्स जो है वो प्रॉपरली डिजाइन किए गए हो और इफेक्टिव हो। ओके, और वो इस तरह से डिजाइन किए गए हो कि वो आपको वो जो है वो प्रिवेंट करते हो और डिटेक्ट करते हो और करेक्ट करते हो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है? ऑब्वियसली ऐसे मिस स्टेटमेंट्स जो कि मटेरियल है और वो यूजर के डिसीजन मेकिंग को बदल सकते हैं। मतलब मैं कहूं कि जैसे एक एग्जांपल, मैं गया मैं रिलायंस का ऑडिट करने के लिए गया। रिलायंस का ऑडिट करने गया तो मुझे पता चला कि वहां पर मैंने ऑडिट तो कर दिया, लेकिन उसमें से एक चीज मैंने मिस कर दी, जिसको मुझे लगता था कि वो मटेरियल नहीं है, लेकिन वो मटेरियल थी, या मैंने उसको चेक ही नहीं किया और मैंने कह दिया कि ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। बाद में पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज जो थी वो मटेरियल थी, और उसकी वजह से मुझे लगता था कि वो सही है, लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं था, वो सही नहीं था, और उसकी वजह से मैंने तो दे दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो थे ही नहीं ट्रू एंड फेयर व्यू। मुझे लगता था ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, लेकिन नहीं करते थे। क्या होगा? जो यूजर उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, उसको लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से कंपनी की सिचुएशन पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो एक्चुअली नहीं करते थे। कहीं ना कहीं हमने यूजर की डिसीजन मेकिंग को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? बदल दिया। अगर हमने उसको प्रॉपरली चेक करके अगर हमने सही ओपिनियन दिया होता, तो शायद वो इन्वेस्टर उसमें क्या करता, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन उसने किया। बस यही है। तो अब मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ पूरा का पूरा,
टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो होते हैं वो उसमें हमको देखना होता है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है, और अगर वो है तो क्या वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, मतलब तुमने कंट्रोल बना दिया, तुमने कंट्रोल भी बना दिया, कंट्रोल्स इफेक्टिव भी है, लेकिन उसको कंपनी के अंदर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया, प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए नहीं है, अगर वो ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं तो क्या बताओ पर्पस फुलफिल होगा, नहीं हो सकता। तो बस यही दिया हुआ है, यही है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बस अब इसको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग माइंड में आप बना लेना। और इसके साथ एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये हमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हमको क्या पता चलेगा कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली डिजाइन किया गया है और इफेक्टिव है, और ये देखना है कि वेदर दे आर सूटेबली डिजाइंड, क्या वो प्रॉपरली डिजाइंड है जिससे वो प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके और करेक्ट कर सके मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं हो सकता, सिंपल है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल होते हैं और उसमें हमको क्या करना होता है, हमको एविडेंस गैदर करना होता है टेस्ट करके कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली डिजाइंड है, इफेक्टिव है, और वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से आपको प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट करता है। और उसके बाद में सेकंड है ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड, यानी कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो क्या हो रहा है, थ्रू आउट द पीरियड लगा हुआ है यानी ऑपरेट कर रहा है। ये हुआ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मैंने एक बार अच्छे से आपको इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, वो है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था, एक मिनट में पीछे की स्लाइड में वापस जाता हूँ, हमने पढ़ा था ये वाला पार्ट कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पार्ट होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स को पढ़ने वाले हैं। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स ये हो गया हमारे सामने है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल किया जाता है एट एसर्शन लेवल। एसर्शन लेवल क्या होता है, सही बता रहा हूँ, बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, बहुत छोटी सी टर्म होने के बाद भी इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आज इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक होता है फाइनेंशियल लेवल, एक होता है एसर्शन लेवल। हम कहते हैं ना मिस स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल लेवल और मिस स्टेटमेंट एट एसर्शन लेवल। ओके, तो क्या होता है ये कि मतलब ऐसा मिस स्टेटमेंट जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट डालेगा वो क्या होगा, वो होगा फाइनेंशियल लेवल के ऊपर। लेकिन मान लो वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या किसी अकाउंट बैलेंस को या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को अगर वो इफेक्ट करता है, अगर वो उसमें है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो वो होता है एसर्शन लेवल। मतलब एसर्शन लेवल का मतलब क्या हो गया, एसर्शन लेवल हो गया ये क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो है इज डिजाइंड एंड परफॉर्म, टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। ओके, क्लियर है कि मतलब हमको इस तरह का टेस्ट लगाना होता है जिससे हम ये सब चीजें जो है उनको हम चेक कर सके। सर समझ नहीं आया, नहीं आया, एग्जाम्पल से समझे, आगे एग्जाम्पल भी आएगा। ओके, सो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लाइन आगे। ओके, सो यहाँ से पढ़ते हैं वापस से, द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज जजमेंटल एंड सो मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब देखो जो ऑडिटर का असेसमेंट होता है ना वो उसका जजमेंट होता है, मतलब अगर उसको लगता है कि कोई मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है तो वो उसको चेक करेगा, अगर उसको लगता है कि नहीं वो मटेरियल नहीं है तो वो उसको नहीं चेक करेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑडिटर के असेसमेंट पर डिपेंड करता है। और दूसरा, देर आर इंटरनल इनहेरेंट लिमिटेशंस टू इंटरनल कंट्रोल। ओके, इसमें कोई पॉइंट प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, क्यों, क्योंकि क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो कौन होता है, जो इंटरनल कंट्रोल को बनाता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस रहते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ये रहा। ओके, ये है किस चीज को लेकर, ये है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को लेकर। ये जो है वो पूरा किसके ऊपर है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को लेकर। अगर हम इसकी बात करें तो एक पॉइंट निकल कर आता है कि ये कवर कहाँ होता है, ये होता है SA 520 में। ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग एन ऑडिट एट एसर्शन लेवल। ओके, ये भी किस चीज के लिए होता है, एसर्शन लेवल पर चेक करने के लिए होता है। सर अभी भी टेस्ट ऑफ डिटेल्स और
सो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाया, उसमें आपने कहा कि टेस्ट ऑफ डिटेल लगाओ और सब्सटेंटिव एनालिटिकल है क्या, मतलब क्यों लगाना है दोनों को, ये लगाना है कि वो लगाना है, दोनों को लगाना है या पॉइंट क्या है? बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भरोसा रखिए। ओके सो देखो, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो होते हैं इज जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये क्या है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स? जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होता है वहां पे लगते हैं। कैसे? एक्चुअली मैं अपना ऑफिस एक्सपीरियंस बताता हूँ, आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को सर ने बुलाया, बोले इधर आओ। मैंने कहा हाँ सर बोलिए। वही हम सीधे बिल्कुल सीधे से बच्चे बन के जाते हैं सर के सामने, और मैंने बोला कि हाँ सर बोलिए। तो बोले कि एक ऑडिट आया है, करने जाओगे? मैंने कहा हाँ बोलिए। तो बोले काम सिर्फ तुमको इतना करना है कि जाके वहाँ पे वाउचर्स के साथ में जर्नल एंट्री जो उनको टैली करना है। मैंने कहा पता है यही काम होता है हमारा। तो बोले कि जाना है और तुमको रजिस्टर लेके सारे वाउचर्स को चेक करना है। मैंने कहा ओके सर ठीक है। तो बोले कि ओके जाओ। नेक्स्ट डे फिर जब ऑडिट खत्म हो गया बाद में, तो फिर मुझे सर ने बुलाया कि एक और ऑडिट आया। मैंने कहा कौन सा ऑडिट है? बोले कि एयरटेल का ऑडिट आया। मैंने कहा अरे वाह एयरटेल का ऑडिट है। मैंने कहा सर काम क्या करना है, मेरा टास्क क्या रहेगा? जाके है ना सारे ट्रांजेक्शन को ना वाउचर से चेक करके आना है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने ठीक है बोला, निकला और एकदम मेरे दिमाग में आया उनका ये क्या था। बोले सर बोल रहे कि एयरटेल के ट्रांजेक्शन चेक करो, एयरटेल कॉलिंग के। मतलब वो इतने सारे ट्रांजेक्शन जो सालों में, साल भर में करोड़ों में होंगे या अरबों में होंगे पता नहीं, वो ट्रांजेक्शन मुझे टिक करने बैठ के कितने साल तक ऑडिट चलेगा। तो मुझे, मैंने जाके सर से पूछा, मैंने कहा सर ये क्या हो, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं जाके एक एक कॉल, 2 मिनट का कॉल हुआ, 2 रुपए सही है बिल बना हुआ है, 40 सेकंड बात की, 40 पैसे बिल बना हुआ है, सर ये कैसे पॉसिबल होगा? उन्होंने बोला देखा ऐसे नहीं होता है, तुमको तुम सिर्फ एक ही ऑडिट करने का प्रोसीजर नहीं होता है कि बैठो और सिर्फ टिक करते रहो। एक टर्म है ऐसे 520 में यूज किया गया, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, आप उसको यूज कर सकते हो। मैंने कहा सर कैसे यूज करो? बोले कि एक काम करना, तुम जाके देखना टोटल कितने मिनट्स तक बात की है फोन पे। मैंने कहा ठीक है। फिर देखना कि टोटल चार्जेस कितने हैं, एक कॉलिंग का रेट क्या है। मैंने कहा ठीक है। बोले दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक टोटल एक्सपेंसेस निकल के आएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बोले बस उसको है ना तुम चेक कर लेना उसके टोटल बैलेंस के साथ में। मैंने कहा सर ये तो बहुत सही है। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा सर फिर तो हमेशा यही यूज करना चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो ना आप वहां इसको यूज कर सकते हो, हर जगह पे यूज नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ सर आपकी बात तो मेरे को समझ में आ गई, आप सही कह रहे हो। तो अब आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को समझ सकते हैं। वापस से देखिए, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो है इज जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट टेंड टू बी प्रेडिक्टेबल ओवर द टाइम, ओवर टाइम। ओके सो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि प्रेडिक्टेबल होते हैं, उनको लेके आप एक प्रेडिक्शन निकाल सकते हो, वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। वो जो तरीका है उसको क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। क्या ये डायरेक्ट एविडेंस है? नहीं, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमको किसी तरह का एविडेंस नहीं दिया जा रहा है कि ये देखिए ये सही है। हम एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं, हम एक रेंज डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग पता कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने बताया है वो रीजनेबली सही है या नहीं है। ओके, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस को इस तरह से चेक करो। ओके, तो ये होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और नेक्स्ट ये आप पढ़ लेंगे लास्ट में, हम पढ़ लेते हैं। सिर्फ इतना सा दिया हुआ है कि आपको, जो मैंने अभी बोला कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाना है, तो मैं कहूंगा डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर मे डिटरमाइन दैट परफॉर्मिंग ओनली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी सफिशियंट टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। और क्या लिखा पहले में, कि ऑडिटर को अपने सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर, ऑडिट की सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर उसको डिसाइड करना है कि क्या सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो सफिशिएंट होंगे या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, या उसको ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो होंगे वो अप्रोप्रिएट है, या फिर उसका दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द एसेस्ड रिस्क। ये हमको क्या करना है, ये हमको चेक करना है। एक सेकेंड ना, ओके
सो एग्जाम्पल लेंगे इसका, ये अपन ने पढ़ लिया है। ये क्या चीज थी, ये था कि ऑडिटर को डिसाइड करना है सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर कि उसको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने चाहिए, टेस्ट ऑफ डिटेल लगाना चाहिए या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए। अब ये जो एक एग्जाम्पल है ना, अगर हम ये समझ लेते हैं ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा इन दोनों को किस तरह से यूज करना है। मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में आपको टेस्ट ऑफ डिटेल वाला सिस्टम यूज करना चाहिए, तरीका यूज करना चाहिए, या आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर वाला तरीका यूज करना चाहिए। सो एग्जाम्पल क्या है, One entity has rent expenses of rupees 10,000 its income statement. एक entity का जब मैंने expense check करा तो उसमें rent था कितना? Rent था उसमें 10,000 रुपए का. और there are two ways the auditor can get comfort over this account. ठीक है? यहाँ पे दो तरीके होते हैं कि auditor क्या कर सकता है इस चीज के ऊपर अपने आप को संतुष्ट कर सकता है। किस चीज को कैसे कर सकता है वो ये कि ये account balance जो है वो सही है या नहीं है। तो auditor क्या करेगा, auditor टेस्ट लगाएगा। कैसा? ऑडिटर कुड टेस्ट यूजिंग अ टेस्ट ऑफ डिटेल एंड इंस्पेक्ट एवरी सिंगल इनवॉइस फॉर एवरी मंथ। वो क्या करेगा कि जितने भी इनवॉइस है वो लेके बैठेगा और 12 महीने के जो भी इनवॉइसेस है उन सबको लेगा और बैलेंसेस चेक करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि रेंट का बैलेंस जो है वो सही दिया गया है या नहीं दिया गया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकेंड इज ऑडिटर कैन परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर वेयर बाई अ रीजनेबल टेस्ट इज परफॉर्म। कैसा रीजनेबल टेस्ट? That is prediction of what the amount should be. Okay, क्या amount होना चाहिए उसका prediction लगा लेगा। कैसे? कि जाके पूछेगा कि आपका एक महीने का rent कितना होता है, बोले कि 1,000 रुपए, तो आपका 12 महीने का तो 1,20,000 हुआ, आपने 10,000 क्यों लिखा है, तो यहां से पकड़ सकता है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, एक prediction basis के ऊपर भी audit evidence gather कर सकता है। This is likely to be much more effective than test of control. Obviously, ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं है, कहाँ आपको 12 महीने के इनवॉइसेस के साथ में उनको मंगवा के उससे सारी एंट्रीज को चेक करके आपको पता चलेगा कि बैलेंसेस सही है या नहीं। और उसकी जगह सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस के बेसिस पर पता लगा लेंगे, सॉरी प्रेडिक्शन के बेसिस पर पता लगा लेंगे कि बैलेंसेस जो दिए गए हैं वो सही है या नहीं दिए। दोनों ही अलग अलग तरीके हैं जो कि ऑडिटर को उस सर्कमस्टांसेस में कौन सा अप्रोप्रिएट तरीका लगता है उसके हिसाब से वो इसको कर सकता है। ओके, तो यही इसके अंदर एक्सप्लेनेशन था। और थैंक यू सो मच, ये वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने नोटिस किया है पर्सनली, मैं भी जब ऑडिट पढ़ता था तो मुझे भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की टर्म्स को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती थी इनिशियली। हो सकता है कि आपको भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, सो बाय बाय एंड सी या।